C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। हेलो वेद, यहाँ मम्मा ने दिवाली के कितनी सारी गिफ्ट्स ले रखी है आपके लिए, पर मम्मा आपको वो गिफ्ट्स कैसे दे बच्चा, आप तो हो नहीं ना यहाँ। मम्मा मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। भूमि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई हादसा फिर से हो। वेदिका जी की बेइज्जती मैं नहीं देख सकता। मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। साहिल और वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी में शुरू हो चला है खुशियों का एक नया कारवां। कुछ नए किरदार और पुराने रिश्तों के बीच बढ़ रहा है एक तूफान, पर प्यार के इस सैलाब में क्या तूफान कर देगा इस तस्वीर को धुंधली, या सच्चे इश्क की ताकत के सामने झुक जाएंगे नापाक मंसूबों के काले तख्त। हेलो एंड वेलकम कानपुर वासियों, मैं हूं आपका चहेता आरजे राज। आज का हमारा शो बहुत ही खास है। आज अभी इसी वक्त पूरे शहर के सामने आई लव यू बोल दीजिए इसे। आज आपकी ये जो अनोखी प्रेम कहानी है ना, आज इसे पूरा कर दीजिए। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए साहिल। वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। भूमि गाड़ी रोको, मैं कह रहा हूं। भूमि और साहिल की जान पर मंडरा रहा है जानलेवा खतरा। मुद्दतों बाद एक हुए साहिल वेदिका की कहानी में क्या रंग लाएगा ये खतरनाक पड़ाव? सर, ये हमें सिर्फ ये जूता ही बरामद हुआ है, हमें बहुत अफसोस है। क्या इस दुर्घटना के साथ ही खत्म हो जाएगी साहिल वेदिका की ये अनोखी प्रेम कहानी, या सच्चे प्यार की ताकत फिर से लौटा देगी वेदिका को साहिल का प्यार? वेदिका जी, हमारे प्यार को हारने मत देना। जो इस अनोखी प्रेम कहानी को रोकने की कोशिश कर रहा है उन सब से लड़ना। अगले 24 घंटे में मैं यहाँ से आजाद होंगी सही तरीके से, और अपने परिवार के साथ हुए हर जुर्म का बदला लूंगी। हमारा वेदू वापस आएगा, वो की परवरिश अपने पिता के घर में होगी। वेदिका, मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। 48 आवर्स के लिए तुम्हें बाहर भेज सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें सारे सबूत इकट्ठा करके यहाँ आना होगा। हेलो, जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। लखनऊ में आलम नगर में चतुर्दशी का मेला चल रहा है, वहीं ढूंढ सकती हो तो ढूंढ। क्या ये आगाज है साहिल वेदिका की अधूरी प्रेम कहानी के पूरा होने का? जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। लखनऊ में आलम नगर में चतुर्दशी का मेला चल रहा है, वहीं ढूंढ सकती हो तो ढूंढ। क्या ये आगाज है साहिल वेदिका की अधूरी प्रेम कहानी के पूरा होने का? मेरा मानना ये है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। मुझे पता था तुम ठीक हो। जिसने भी ये कहा ना वेदिका जी, बिल्कुल सच कहा है कि प्यार करने वाले एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। मौत भी ऐसे दो दिलों को अलग नहीं कर सकती वेदिका जी। लो, हो गई तुम तैयार, तुम्हारी सुहागरात के लिए। अच्छी लग रही हो, पुनीश जी खुश होंगे। थैंक यू प्राची दी। बस एक चीज की कमी है, ये जो हार आपने मुझे दिया है ना, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। जो हार आपने पहना है ना, वो एकदम सूट होगा मेरी साड़ी के साथ। क्यों, क्या खराबी है इस हार में? सबसे बड़ी खराबी तो ये है कि ये पुनीश जी को नहीं अच्छा लगेगा। अब आप ये तो नहीं चाहती ना कि मैं पुनीश जी को अच्छी ना लगूं? फिर वो सब कुछ नहीं हो पाएगा जो हम करना चाहते हैं।
अब आप ये तो नहीं चाहती ना प्राची दी? अरे हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इन सब चीजों के लिए तैयार कैसे हो गई। लो, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा फायदा तो आपका है। तो चलिए अब जल्दी से मुझे हार दे दीजिए, पुनीश जी खुश हो जाएंगे। मुंह से वापस आकर फिर एक बार साहिल ने भर दी है अपनी और वेदिका की प्रेम कहानी में एक नई जान। पर दुनिया की नजर में साहिल का ये पुनर्जन्म क्यों चौंका देगा सभी को? यह है कोई राज जिससे है बेखबर अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी। जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। कबीर है हमारा हस्बैंड। कबीर तुम्हारा हस्बैंड कैसे हुआ? कबीर जारा का हस्बैंड। जारा हमारी दोस्त और दोस्त का हस्बैंड हमारा हस्बैंड। तुम हो ना हमारे हस्बैंड कबीर। अगर मेरे प्लान की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में आ गए तो? कुछ नहीं होगा मुझे प्रीता जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप हैं। प्रीता जी मुझे फेक डैड बुलाती हो, सही बोलती हो तो मुझे। तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यार जिस किसी ने भी तुम्हारी हालत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई ने अगर वहाँ बैठे बैठे कंक्लूजन निकाल लिया कि वो कियारा सिर्फ प्रज्ञा की नहीं भाई की भी बेटी है तो? मलार साहब ने सबके लिए मिठाई भेजी है, कह रहे थे कि कल उनकी शादी है। लड़की कौन है कल्याणी? किससे शादी कर रहा है मलार? मलार जी शादी कर रहा है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तुम्हें रोकना होगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता कि माई को उम्र कैद हो, लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं माई की रिहाई करवा दूँ। मैं अब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में महासप्ताह के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि एक तरफ पर्व ने किया सिद्धि पर जानलेवा हमला तो दूसरी तरफ दत्ता ने बांधा अक्षत को पटाखों के बीच। अब क्या करेगी गुड्डन और क्या वो बचा पाएगी अक्षत और सिद्धि की जान? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा।
आई लव अस्मिता जी। किस्मत फिर ले आई शांतनु और पुचकी के रिश्ते में एक नई दस्तक। क्या होगा इनके आने वाले कल का अगला कदम।